हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि कैसे मिलेगा डिविडेंड डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो जैसे कि आपका किसी भी स्टॉक ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है, ठीक है। जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, आईएनडी मनी हो गया, काइट हो गया, या फिर आप स्टॉक्स हो गया, ठीक है। कहीं पर भी आपका जो स्टॉक ब्रोकर है उसमें आपका अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। आप फॉर एग्जाम्पल्स मान लेते हैं कि आपका ग्रो में है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी स्टॉक्स को बाई करेंगे तो वो आपका होल्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो उसका जो डिविडेंड होता है वो आपको कहां पर मिलेगा। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका डिविडेंड्स होता है वो क्या होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी है, जैसे कि NHPC है, ठीक है, या सुजलॉन एनर्जी हो गया, या NBCC हो गया, IRFC हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, उसका जो भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो जो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्वार्टरली आता है और ईयरली आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल्स मान लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है जो उसके इन्वेस्टर होते हैं उनको एज ए रिवार्ड वो दे देती है, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो कंपनी की ग्रोथ में लगाते हैं, तो जो कुछ अमाउंट होता है प्रॉफिट का वो एज ए रिवार्ड डिविडेंड के रूप में देते हैं। तो जो सभी के जिन लोगों के पास उस कंपनी के स्टॉक्स होते हैं उन लोगों को मिल जाता है एज ए रिवार्ड, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये जो डिविडेंड्स मिलता है वो कहां पर जाता है, ठीक है। तो आपका किसी भी स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर आपने कहीं पर भी शेयर्स को बाई किया हुआ है तो वो जो शेयर हैं उनका जो डिविडेंड्स है वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी आपका स्टॉक ब्रोकर में आपका अकाउंट ओपन हो डीमैट अकाउंट, लेकिन आपका जो अमाउंट होता है, जो डिविडेंड्स अमाउंट होता है, वो सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में मैंने यहां पर फिल्टर लगा के रखा हुआ है, तो पिछले 6 महीने में मुझे कितना डिविडेंड्स मिला है यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पर देख रहा है अगस्त का, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को मुझे यहां पर 10 रुपीज़ मिला हुआ है मैनी इन्फ्रा से, फिर यहां पर लार्सन टूब्रो से मिला हुआ है, ठीक है। और देख सकते हैं कि अगस्त में यहां पर काफ़ी डिविडेंड्स मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारा डिविडेंड्स क्या होता है कि कहीं पर भी किसी भी आपका स्टॉक ब्रोकर में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है, उसका जो आपका डिविडेंड्स होता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। जो भी कंपनी होता है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स वो आपका स्टॉक ब्रोकर से ले लेती है, और जो भी डिविडेंड्स होता है, जितने भी आपके पास स्टॉक्स होंगे उस अकॉर्डिंग जितना भी आपका डिविडेंड्स बनता होगा वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो डिविडेंड्स होता है उसके 3 डेट होती हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन डेट, दूसरा होता है आपका एक्स डिविडेंड डेट, और तीसरा होता है यहाँ पर आपका दोस्तों रिकॉर्ड डेट। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आप स्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है, और यहाँ पर ITC शेयर को ओपन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे इवेंट में, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये दिया हुआ कैश डिविडेंड, ये दिया हुआ 8 फरवरी को मिलना है, और आज है 5 फरवरी, ठीक है। 6.25 पर शेयर यहाँ पर दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 डेट दी हुई हैं। पहला तो है अनाउंसमेंट डेट, दूसरा है एक्स डिविडेंड डेट, और तीसरा है रिकॉर्ड डेट। तो यहाँ पर आपका जो अनाउंसमेंट डेट होता है जब उसकी कंपनी की बोर्ड डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग होती है और वो डिक्लेयर करते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टर्स को यहाँ पर एज ए डिविडेंड्स देना है, ठीक है। तो ये होता है आपका अनाउंसमेंट डेट। एक्स डिविडेंड डेट होती है जैसे कि क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर में आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं और कोई भी शेयर्स को बाई करते हैं, तो उसमें T+2 मतलब कि लगभग मिनिमम 2 वर्किंग डे लगते हैं डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट होने में, ठीक है। तो एक्स डिविडेंड डेट वो डेट होती है जिसमें आप जिसके पहले एक दिन पहले आप शेयर्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो रिकॉर्ड डेट होती है उस रिकॉर्ड डेट में क्या होता है कि अगर आपके पास शेयर आ जाता है, ठीक है, अगर आपके पास शेयर है तो वो क्या होता है कि कंपनी के डिविडेंड्स के लिए अलाउ हो जाता है, कंपनी की खाता बुक में आपके शेयर्स होते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं डिविडेंड्स के लिए, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट्स के दिन आपके पास यहाँ पर डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड्स मिल पाता है, ठीक है। तो ये 3 डेट्स होती हैं दोस्तों। सो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा पहला क्वेश्चन, जो कि आपका आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल आपको स्टॉक ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करा लेना है, कहीं भी आप ओपन करा सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन कराने के बाद बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर आप अपना स्टॉक्स को बाई कर लीजिएगा। बाई करेंगे अगर उसका डिविडेंड्स मिलेगा तो सीधा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।